गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल मोहन सर हिस्ट्री। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर जितने भी वीडियोज आ रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे। जो भी वीडियो देखने वाला है, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ठीक है। और आपको वीडियो से संबंधित जो भी समस्या है, जो भी आपका कमेंट है, वो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल आपको राणा सांगा के बारे में बताया था, सांगा के केवल युद्ध पढ़ रहा हूँ, बाकी जो भी जीवनी है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। राणा सांगा के बारे में कल आपको बताया था, राणा सांगा ने अपने इतिहास में, अपने कार्यकाल में 5 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े भी? 5, ठीक है। राणा सांगा 5 में से 4 युद्ध जीत जाते हैं और 5वां युद्ध हार जाते हैं। जो 4 युद्ध राणा सांगा ने जीते थे, उस युद्धों का वीडियो मैंने अपलोड कर लिया है, आप लोग मेरे YouTube चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। जो राणा सांगा युद्ध हारे थे, वो किस प्रकार हारे, हारने के कारण क्या रहे, कौन सा युद्ध है, किसके खिलाफ है, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। उससे पहले एक बार देख लीजिए 4 युद्ध पहले कौन कौन से थे। कल ही बताया आपको, 1517 में राणा सांगा ने युद्ध किया था खातौली का। खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, जो दिल्ली के सुल्तान थे। 1518 बाड़ी का युद्ध, बाड़ी धौलपुर में पड़ता है, इस युद्ध में भी राणा सांगा ने दिल्ली के इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1519 गागरौन का युद्ध, गागरौन झालावाड़ में पड़ता है, इस युद्ध में राणा सांगा ने मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया। 1527 युद्ध हुआ था बयाना का 16 फरवरी को, राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को हराया, और कहते हैं इस युद्ध में बाबर की सेना की बुरी तरह से हार हुई थी, और इस बयाना के युद्ध का बदला लेने के लिए बाबर आक्रमण करेगा, और वो युद्ध कौन सा होगा? खानवा, जिसकी अपन आज बात करेंगे, ठीक है। तो पहले तो इधर आपको कल ही बताया था, राणा सांगा के खिलाफ बाबर ने युद्ध करने से पहले शर्त रखी थी। हालांकि शर्त रखने का कारण, क्योंकि बाबर की सेना ने युद्ध करने से मना कर दिया था, ठीक है। बाबर को बोला हम तो चलने वाले हैं नहीं, ठीक है। युद्ध भूमि में ठोकाई किसकी होती है? सैनिकों की होती है, सीधी सी बात है। सेना ने मना कर दिया कि हम तो चलने वाले हैं नहीं। बाबर को बोला बाबर जी आप जाओ तो जा सकते हो राणा सांगा से युद्ध करने। तब कहते बाबर ने शर्त रखी थी, 4-5 शर्त बताई थी। पहली शर्त कि मैं शराब का सेवन नहीं करूंगा, सैनिकों युद्ध करो। दूसरी शर्त काबुल में चांदी के सिक्के बांटूंगा। तीसरा जो आपका कर है तमगा, वो मैं हटा दूंगा। चौथा मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। फिर भी सेना तैयार नहीं हुई, तब कहते बाबर ने नारा दिया था जिहाद का नारा। कौन सा नारा? जिहाद। और जिहाद का मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध। सभी पूरी की पूरी सेना को धर्म की कसम खिलाई, तब कहते हैं पूरी की पूरी सेना तैयार हो गई, इसलिए अपन इसको कह सकते हैं धर्म युद्ध। कौन सा युद्ध कहेंगे? धर्म युद्ध, या कह सकते हैं जिहाद। यानी कि धर्म के नाम पर लड़ा गया युद्ध था, युद्ध कौन सा था भी? खानवा। कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। खानवा कहां पड़ता है? रूपवास तहसील जिला पुछी भरतपुर। खानवा कहां पड़ता है? रूपवास तहसील जिला भरतपुर में। कब हुआ? 17 मार्च 1527। ध्यान रखना एक एक शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान गवर्नमेंट का कोई भी अगर आप एग्जाम देंगे तो राणा सांगा में खानवा का युद्ध
अति महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं से एक सवाल बन जाता। जैसे ही पहली लाइन है तो साधारण सवाल बन जाते, युद्ध कब हुआ, डेट पूछ ली, एक में सन पूछ लिया, एक में युद्ध का नाम पूछ लिया, फिर पूछ लिया कौन सी तहसील में है, जिला पूछ लिया, धर्म युद्ध जिहाद पूछ लिया, और अगर पूछ ले खारवा का युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो आंसर हो जाएगा गंभीरी नदी। कौन सी नदी है भाई, गंभीरी नदी। ठीक है, अब युद्ध किस किस के बीच में होगा, इधर ध्यान दीजिए, इधर तो आपके आएंगे मेवाड़, मेवाड़ के राजा कौन, राणा सांगा। सांगा का कार्यकाल 1509 से 1528। मेवाड़ के राणा सांगा, सामने बाबर हो जाएगा दिल्ली, और दिल्ली का राजा कौन, बाबर। बाबर का कार्यकाल 1526 से लगाकर 1530। ये दोनों शक्ति आपस में युद्ध करेगी, युद्ध कौन सा होगा, खानवा का। ठीक है, अब ध्यान देना इधर, बाबर ने इस युद्ध में मुख्य रूप से दो चीजों का प्रयोग किया, कौन कौन सी इधर देखिए। पहला तोप का प्रयोग, किसका प्रयोग, तोप का प्रयोग। दूसरा तुलुगमा का प्रयोग, याद रख लेना भाई, तुलुगमा प्रणाली। ठीक है, तोप और तुलुगमा, तुलुगमा क्या आगे बताएंगे, तोप का प्रयोग किया बाबर ने, और तोप चलाना कहां से सीखा, सीखी ईरानियों से, ईरानियों से। और ये कहां से सीखी, उज़्बेकों से, सीखी उज़्बेकों से। सवाल बन गया, बाबर ने तोप का प्रयोग किया, जो तोप बाबर ने चलानी कहां से सीखी थी, ईरानियों से, तुलुगमा पद्धति कहां से सीखी, उज़्बेकों से। और बाबर के दो मुख्य रूप से तोपची थे, तोपची ना, तोप चलाने, कौन कौन थे, नाम याद रखना, एक का नाम था मुस्तफा और दूसरे का नाम उस्ताद अली, उस्ताद अली। ये याद रखना, बाबर कार्यकाल तोप चलाना सीखी ईरानियों से, दो तोपची मुस्तफा उस्ताद अली, और तुलुगमा कहां से सीखी, उज़्बेकों से। ठीक है, बाबर ने युद्ध की घोषणा कर दी, इधर सामने मेवाड़ के महाराणा कौन है, संग्राम सिंह। तब कहते हैं राणा सांगा ने पूरे हिंदुस्तान के सभी राजाओं को आमंत्रित किया कि हिंदुस्तान में बाहरी जाति मुगल आए हैं, मुगलों को बाहर भगाना है, सब लोग आइए और मेरी सहायता कीजिए, जिसे बोलते हैं पाती परवण। और राणा सांगा ने लगभग सभी राजाओं को संदेश भेजे, और सबके माध्यम से फोन संदेश कौन जो भी है ना, सबको संदेश भेजे, और लगभग सारे के सारे राजा लोग आए भी थे खानवा के युद्ध में। और यहीं से सवाल बनते हैं, अभी जस्ट सेकंड ग्रेड में सवाल बना, उससे पहले सेकंड ग्रेड टीचर का एग्जाम, उसमें भी सवाल बना, सवाल आ जाते हैं राणा सांगा की सेना में कौन कौन थे, 12-13 आदमी मुख्य मुख्य राजा थे, वो आपको याद रखने पड़ेंगे, मेरे देख लीजिए कौन कौन थे, है ना। सबसे पहला मारवाड़ बोले तो वर्तमान जोधपुर, और इसमें मारवाड़ के राजा थे गांगदेव, गांगा। ठीक है, और गांगा का पुत्र था मालदेव राठौर, जोधपुर के गांगा जी राजा थे, गांगा को संदेश भेजा था आप लोग मेरी सहायता कीजिए, तब कहते गांगदेव ने अपने बेटे मालदेव को भेजा था राणा सांगा की सहायता करने। मारवाड़ के बाद बीकानेर, एक एक चीज नोट कर लेना भाई, बीकानेर का राजा कौन था, जैतसी, और जैतसी का पुत्र कौन, कल्याणमल राठौर। पूछ ले खानवा के मैदान में बीकानेर की तरफ से युद्ध किसने किया, कल्याणमल राठौर ने किया। इसके बाद बात करते हैं अपन मेड़ता, मेड़ता के कौन आए थे, मेड़ता के आए थे वीरम देव मेड़तिया,
वीरमदेव राठौर मेड़ता से आए थे। इसके बाद अपन बात करें नागौर, नागौर का शासक उस समय थे खान जादा। खान जादा ने राणा सांगा की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। इसके बाद अपन बात करें सिरोही, सिरोही के उस समय राजा थे अखे राज सोनगरा। सिरोही के राजा कौन थे? अखे राज सोनगरा। इसके बाद अपन बात करें वागड़, वागड़ के राजा थे उदय सिंह। वागड़ कहां पड़ता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो भाग है पहले वागड़ कहलाता था। इसके बाद एक राजा आए थे ईडर, ईडर के कौन आए? ईडर के राजा का नाम था भारमल। ईडर भारमल, ईडर कहां पड़ता है? गुजरात में। इसके बाद एक राजा आए थे काठियावाड़, काठियावाड़ से कौन आया? झाला अज्जा, झाला अज्जा। ये वही झाला अज्जा है जो इस युद्ध में राणा सांगा का मुकुट अपने सर पर धारण करेगा। इसके बाद भरतपुर, भरतपुर के कौन आए थे? अशोक परमार। राणा सांगा की सहायता किसने की? भरतपुर के अशोक परमार ने। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, राजस्थान का जब आप लोग किसान आंदोलन पढ़ेंगे अपन बिजोलिया, तो ये सवाल पड़ता है बिजोलिया ठिकाने की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा अशोक परमार ने की। राणा सांगा ने जागीर दी थी, वो किसान आंदोलन में पढ़ेंगे। इसके बाद आमेर, आमेर का शासक कौन था? पृथ्वीराज पच्छावा। आमेर कहां पड़ता है? आमेर यानी जयपुर, पृथ्वीराज कच्छावा शासक थे। इसके बाद मेवात, मेवात का राजा कौन था? हसन खां मेवाती। मेवात अलवर भरतपुर का क्षेत्र, हसन खां मेवाती। 12 नंबर पर रायसीन, रायसीन कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। यहां का कौन था? सहरदी तंवर। रायसी एमपी का शासक कौन था? सहरदी तंवर। इसके बाद दिल्ली, दिल्ली का कौन था? महमूद लोदी। इब्राहिम लोदी जो था उसका भाई कौन था? महमूद लोदी। ठीक है, इसके बाद दिल्ली के बाद आपका हो जाएगा अजमेर, अजमेर का कौन था? करमचंद पवार। अजमेर का कौन? करमचंद पवार। करमचंद पवार वही है जिसने राणा सांगा की राजा बनने से पहले सहायता की थी। ठीक है, एक आपका रह गया सारे आगे चंदेरी, चंदेरी कहां पड़ता है? गुजरात में। चंदेरी का राजा कौन था? मेदिनी राय। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, 13, 14, 15 जितने भी शासक है ये सारी की सारी फौज राणा सांगा की तरफ से युद्ध में लड़ी थी। ये अकेले नहीं आए हैं, अपने साथ 2, 2, 4, 4, 5, 5, 7, 10, 10,000 सैनिक ले आए थे। एक बार हैंडराइटिंग समझ में आए तो रिपीट कर रहा हूँ, सुन लेना। जोधपुर गामा का पुत्र मालदेव, बीकानेर कल्याणमल मेड़ता वीरमदेव, नागौर खानजादा, सिरोही अखेरा सोनगरा, वागड़ का उदय सिंह, ईडर का भारमल, काठियावाड़ का झाला अज्जा, भरतपुर का अशोक परमार, आमेर का पृथ्वीराज कच्छावा, मेवात का हसन खां मेवाती, रायसी मध्य प्रदेश का सहरदी तंवर, दिल्ली का महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई चचेरा, अजमेर का करमचंद पवार और चंदेरी गुजरात का मेदिनी राय। ये पूरी की पूरी फौज राणा सांगा की। और इधर सामने कौन है? बाबर। ठीक है, अब युद्ध हो जाएगा। युद्ध कैसे हुआ सभी को पता ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। युद्ध हमेशा खतरनाक धुआंधारी होता है, कईयों की खोपड़ी उड़ जाती है, कईयों के हाथ
जाते हैं। इधर क्या मामला हुआ, सीधी सी बात है, सभी को पता है, इतनी बड़ी फौज है फिर भी राणा सांगा हारे और जीते कौन, बाबर। इस युद्ध में बाबर जीत जाता है, राणा सांगा हार जाता है। किस प्रकार हारे, हार का कारण क्या है, इन देखिए। इससे पहले तुलुगमा देखिए, तुलुगमा क्या है, मान लिया ये युद्ध का स्तर है, इधर सांगा की फौज है, इधर बाबर की फौज है, ठीक है। कहते हैं राणा सांगा सबसे आगे खड़ा था युद्ध भूमि में, ये राणा सांगा की सबसे बड़ी भूल, और बाबर पूरी सेना के पीछे खड़ा था। यहाँ पर बाबर खड़ा था, ये लिखिए, इधर बाबर खड़ा और राणा सांगा सबसे आगे खड़ा है, ठीक है। अब तुलुगमा क्या है देखिए, मान लो बाबर की सेना में 30,000 सैनिक है, कितने सैनिक, 30,000। बाबर क्या करता, 30,000 के 3 टुकड़े करता, 10,000 10,000 10,000। युद्ध शुरू हुआ, मात्र 10,000 सैनिक युद्ध करेंगे दुश्मन से, और इधर राणा सांगा की पूरी फौज युद्ध कर रही है। ये सुबह से लगाकर 10 बजे तक 10,000 सैनिक युद्ध करेंगे, और ये 10 और ये 10 आराम करेंगे, तैयार होंगे अगले समय के लिए। अब 10-12 बज गए, इनमें से काफी तो मर गए और काफी जिंदे हैं, बिचारे थक गए, और कहते हैं जैसे ही एक सैनिक कम हुए, यहाँ से 5,000 ऐड हो गए, यहाँ से 5,000 ऐड हो गए, वापस कितने हुए, 10,000। इधर जो 5 बच्चे थे ये यहाँ से घेरा डालेंगे, इधर वाले 5 यहाँ से, और राणा सांगा की सेना कहाँ आ गई, बीच में, ठीक है। ये थी बाबर की तुलुगमा युद्ध प्रणाली। एक तो हार का कारण ये है, दूसरा हार का कारण क्या है, तो इधर तो क्या है, तलवार है, और इधर क्या है, तोप है। सभी को पता है तलवार और तोप का कोई मुकाबला नहीं होता है, फिर भी राणा सांगा ने मुगलों के खिलाफ सभी मेवाड़ के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के राजाओं को एकत्रित किया, अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के लिए, ठीक है। ये हार के कारण, और ये भी बताया जा रहा है कि 2-3 गद्दार निकल गए मेवाड़ की सेना में, यानी कि राणा सांगा की सेना में 2 गद्दार निकल गए, इन गद्दारों की वजह से राणा सांगा हार गए। गद्दार कौन, एक तो नागौर, ज्यादा कौन सा ज्यादा, खान ही ज्यादा है ना, एक शैल तमोर मध्य प्रदेश वाला, खान जादा और शहर भी तमर ने कहते हैं राणा सांगा के साथ गद्दारी की, तब राणा सांगा हार हुए। गद्दारी क्या, ये देखिए, ये किसका प्रयोग हुआ है, तोफ का प्रयोग। आपको पता होता है जब तोफ को लगाते हैं अपने स्तर पर, तब कहते हैं तोफ को रस्सी से बांधते हैं, ठीक है। ऐसे तोप लगा दी इधर राणा सांगा की तरफ, रस्सियों से बांध देते हैं। बांधने का कारण, जैसी तोप छूटती है तो हिले डुले नहीं, अर्थात निशाना न चूके। बाबर ने रस्सियों से बंधवा दी, और कहते हैं जैसे रस्सियों से तोपें बांधी गई, तब कहा जाता है ये राणा सांगा ने इधर योजना बनाई। योजना क्या बनाई, यहाँ से अपनी सेना में से 4-5 आदमी तैयार किए कि जैसे युद्ध शुरू हो आप लोग भागते भागते बाबर की तोपों के पास जाना, और ये तोप रस्सियों से बंधी हुई है, इन रस्सियों को तलवारों से काट देना, और तोप की जो खोपड़ी इधर है उल्टी घुमा देना, जैसे ही तोप छूटेगी आदमी किसके बनेंगे, बाबर के। बड़ा खतरनाक दिमाग लगाया किसने, राणा सांगा ने, और कहते हैं जैसे ही सांगा ने योजना बनाई, 2 गद्दारों ने सुन ली, खान जादा और शहर दी तमोर, ये दोनों भागते भागते बाबर के पास गए, और बाबर को बोला रस्सियों से तोपे मत बांध, राणा सांगा ने योजना बनाई है कि रस्सियां काट दी जाएगी, तोप को उल्टा घुमाएंगे और तेरे आदमी मरेंगे, है ना, लोहे की जंजीरों से बांध।
तो आपको किसे मार, लोहे की जंजीरों से। ठीक है, अब बाबर ने क्या थे ऐसा ही किया, युद्ध शुरू हो गया दोनों ही सेनाओं में आपस में, इधर से सामना इधर से बाबर, खतरनाक धुआंधार, चार पांच बंदे गए भागते भागते, रस्सियों को काटने की कोशिश की लेकिन रस्सियां तो कटी नहीं क्योंकि लोहे की जंजीर थी, तब तक तो छूट गई और कहते हैं लगभग काफी लोग उनके बेचारे मारे गए। ठीक है, ये युद्ध में सही तो हालांकि इनमें से ज्यादातर तो जिंदे बचे। ठीक है, शहीद कौन से हुए, बाबर का उदयसिंह युद्ध भूमि में शहीद हो गया, एक आपका हुआ था पोतेराज कछवाहा जयपुर के शासक है ये युद्ध भूमि में शहीद हुए थे, और एक झाला अज्जा, झाला अज्जा राणा सांगा का मुकुट धारण करेगा इसलिए शहीद हो जाएंगे। ठीक है, और कहते राणा सांगा सबसे आगे खड़ा था तो जैसे छूट गई आधा राणा सांगा कट गया, एक आम तो पहले ही नहीं थी। ठीक है, हाथ कट गया पैर कट गया, कहते राणा सांगा युद्ध भूमि में घायल हो गए और घायल अवस्था में राणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर किया, बाहर किसने किया सवाल अगर पूछ ले आंसर होगा मालदेव राठौर। मालदेव कहाँ के है, जोधपुर के। राणा सांगा घायल हो गए जब इन पर पड़ गए नीचे गिर गए है ना, और राणा सांगा का जो क्षेत्र मुकुट था वो किसको पहना दिया, अज्जा को, और बाबर की सेना को लगा राणा सांगा इधर ही युद्ध कर रहे हैं, हालांकि युद्ध में किसी की खोपड़ी नहीं दिख रही, ये सामना है कि अज्जा है मालदेव है ना, चमकती हुई तलवार दिखती है बस, और जिसके सिर पर मुकुट होता है वही उस सेना का राजा या मुखिया होता है। कहते हैं अज्जा को पहना दिया, अज्जा युद्ध करते हुए शहीद हो गए, राणा सांगा को यहाँ से भरतपुर से युद्ध भूमि से बाहर ले गए। ठीक है, बाहर कहाँ ले गए, क्या क्या मामला हुआ, वो सारे सवाल इंपोर्टेंट बढ़ते हुए, बाहर कौन ले गया, मालदेव, कहाँ ले गया, बसवा, जगह का नाम है बसवा, कहाँ पड़ता, दोसा में पड़ता, ध्यान रखना। यहाँ पर कहते राणा सांगा को ले गए थे और यहीं पर कहते हैं राणा सांगा को चार पांच महीने बाद होश आया था, युद्ध कब हुआ, मार्च में, कब हुआ है, मार्च में हुआ, चार पांच महीने तक राणा सांगा घायल रहे और ये सारे के सारे पास में बैठे इंतजार कर रहे कि मेवाड़ महाराणा है, ठीक है, इज्जत वाले लोग हैं, राजा है मेवाड़ के, सबसे पुरानी रियासत के है, इंतजार कर रहे राणा सांगा कब होश में आए, तब कहते हैं बसवा जो दोसा में है राणा सांगा को होश आया, तब साथियों को पूछा कि युद्ध करने गए क्या हुआ, और साथियों ने क्या जवाब दिया, युद्ध तो अपन हार गए। तब कहते हैं राणा सांगा जैसे ही हार का नाम सुना फटाक से खड़ा हो गया और साथियों को बोला कि चलो हम युद्ध करेंगे किससे, बाबर से। साथियों ने समझाया कि राणा सांगा नीचे देख तो सही, पैर तो एक ही है, एक हाथ भी नहीं है, एक आंख भी नहीं है, क्या युद्ध करेंगे, उधर तोपें चल रही है, हमारे पास क्या है, तलवार है। ठीक है, लेकिन आपके सांगा नहीं मानेंगे, मैं तो जाऊंगा बाबर को हराऊंगा और हिंदुस्तान से मुगलों को भगाऊंगा, आप चलो और भले मत चलो। तब कहते सारे के सारे परेशान हो गए, ठीक है ना, क्योंकि मेवाड़ महाराणा है, इनका कहना भी नहीं टाल सकते, अब राणा सांगा तो जाएंगे ही जाएंगे और सामने तोपें चल रही है, हम भी मरेंगे ये तो मरने वाला है ही। तब कहते इन सबने बैठ के ऐसा कहा जा रहा है योजना बनाई और कहते राणा सांगा को जहर दे दिया, जहर क्यों दिया, क्योंकि राणा सांगा युद्ध करने जा रहे हैं, अकेले तो जा नहीं सकते, अपनों को भी चलना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं साथियों ने राणा सांगा को खाने में जहर मिलाकर दे दिया और राणा सांगा की 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो गई। राणा सांगा का चबूतरा पूछे तो बसवा में बना है, छत्री पूछे तो मानवगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। ठीक है, और राणा सांगा की हार का कारण एक हाथी भी थे, ध्यान रखना युद्ध में हाथी, ये तो बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े बड़े तोपे आई हैं, सब लोग कहते हैं हाथियों के बैठ के आए थे लगभग, और इधर से तोपे छूट गई और तोपों की आवाज सुनकर सारे के सारे हाथी गिरले हो गए, पागल हो गए और अपनी ही सेना को
को चलना शुरू कर दिया, ठीक है। और इस युद्ध में राणा सांगा की हार हो गई, बाबर जीत गया और हिंदुस्तान में वास्तविक स्थापना हो गई मुगल वंश की। इसके बाद राणा सांगा के पुत्रों की बात करें तो मीरा बाई के जो पति थे भोजराज जी, वो राणा सांगा के ही बड़े बेटे थे। वो सारा अगले नेक्स्ट वीडियो में जब बढ़ेंगे तभी बताएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है, निवेदन है, मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपके पास जितने भी ग्रुप हैं फेसबुक व्हाट्सअप आपके जो भी ट्विटर वगैरह मैसेंजर प्रत्येक जगह पर लाइक कमेंट शेयर करवाएं। और जो भी बंदा या बंदी इस वीडियो को देख रहा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।